वैसे सीरियल इश्क में मर जावा में हमारे दीप तारा और आरोही की क्या बात करें भैया, यहाँ पर इन लोगों की इक्वेशन क्या है समझ ही नहीं आती। लेकिन चिंता मत कीजिए, अब इन तीनों का बाप आ गया है सीरियल में, एक ऐसा शख्स जो इन तीनों को मात देने पर तुला हुआ है। दीप और अभिमन्यु, इन सब का अब खेल खत्म हुआ। अगर हम यूं कहें तो आप थोड़े से चौंक जाएंगे। अब भी ऐसा तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि इन सब का बाप यानी कि एक्समैन आ चुका है इन सब की नींद चुराने के लिए। भी यही है, आरोही भी यही है और तारा भी। फिर बताइए, आखिर घर में अचानक से सबको बेहोश कौन कर रहा है? यहाँ ये बेहोश है और बगल वाले कमरे में तारा और विराट भी बेहोश है। अगर ये तीनों बेहोश हैं तो ये सब कर कौन रहा है? समझ में नहीं आ रहा है ये मिस्टर एक्स है कौन और चाहता क्या है। मिस्टर एक्स है, उनकी एंट्री हुई है, अब एग्जैक्टली वो कौन है ये तो अभी किसी को पता नहीं चल पाया है। दीप फाइंस की जो तारा और विराट है वो भी बेहोश पड़े हैं, तो उसे ये क्लियर हो जाता है कि डेफिनेटली सबके पीछे तारा और विराट का तो कोई हाथ था नहीं। तो कौन था वो मिस्टर एक्स, कौन है? सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, बिकॉज मिस्टर एक्स कोई भी हो सकता है, अभिमन्यु हो सकता है, विराट हो सकता है, तारा हो सकती है, या फिर कोई न्यू एंट्री हो सकती है, कोई भी हो सकता है मिस्टर एक्स। सो यू नेवर नो मिस्टर एक्स कौन है। बहुत सारे इस घर में चेहरे हैं, चेहरों पे मुखौटा है, अब एक एक करके सबका मुखौटा उतरेगा तो पता चलेगा मिस्टर एक्स कौन है। लेट्स सी कौन है। हालांकि आरोही और दीप को एक दूसरे पर शक हो रहा है, लेकिन इनका शक कोई काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनका काम तमाम करने के लिए तीसरा कौन आ गया है। वैसे तुम ठीक कह रहे हो, कुछ भी हो सकता है कि इस साल में तुम्हारी बदला लेने की कोई नहीं चाह। वैसे ऐसा भी तो हो सकता है सबके पीछे तुम्हारा हाथ हो, क्योंकि तुम्हारे तो पुरानी आदत है सबको धोखा देना, झूठे झांसे देना, तो तुम भी तो हो सकते हो। क्या गारंटी है सब तुमने नहीं किया? अब जब एक्समैन इनकी जिंदगी में आ गया है तबाही मचाने के लिए, तो थोड़ा सा तबाही का नजारा भी देख लीजिए, जहां पर एक्समैन मुखौटा पहने इनके सामने आ खड़ा हुआ है और आरोही के हाथ में पिस्तौल आ गई है, तो वहीं दीप ने दे धनाधन फाइटिंग भी शुरू कर दी है। माहौल को देखकर तो हम यही कहेंगे कि पहले से यहाँ पर कम कंफ्यूजन था क्या, जो अब ये एक्समैन वाला कंफ्यूजन आ गया। अब भी कहानी कौन सा नया रुख लेगी ये इसका कोई आइडिया नहीं है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।